बहुत बहुत धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। महोदय, मानसिक और स्वास्थ्य देखरेख विधायक 2016 का बिल का समर्थन में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। उपाध्यक्ष जी, हमारी सरकार द्वारा मानसिक रोगियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य देखरेख विधेयक का लाया जाना अभूतपूर्व एवं सराहनीय है। पिछली सरकारों का रवैया मानसिक रोगियों के प्रति नकारात्मक था, परंतु हमारी सरकार ने और हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऐसे रोगियों को दिव्यांगों का दर्जा दिया गया। यद्यपि हमें इस प्रकार और अधिक कदम उठाने होंगे कि मानसिक बीमारियों से ग्रस्त होने के विषय में जानकारियों का अभाव होने का एक जटिल समस्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन में आंकड़ों के गौर करें तो दुनिया भर में आज 45 करोड़ से ज़्यादा मानसिक बीमारियों या तांत्रिक संबंधित बीमारियों के ग्रस्त कुछ लोग मानसिक विकार के साथ ही जन्म लेते हैं, जबकि बहुत से लोग दुर्घटना, आघात, गंभीर बीमारी समेत कई कारणों से मानसिक बीमारियों का पीड़ित हो जाते हैं। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में दिमागी विकार होना तथा है उसकी स्थिति पर कोई नियंत्रण नहीं होता। कुछ सामान्य मानसिक समस्याएं जैसे स्वयंचालता, मानसिकता बाधा, प्रतिक्रिया, पक्षपात, सेरेब्रल पल्सी सीखने बाधा जैसी इसी बीमारी उपचार को लेकर हम और प्रयास करने होंगे। इसके साथ ही इस बीमारी को जड़ से किस प्रकार समाप्त किया जाए और उसकी रोकथाम के लिए प्रकार की जाए, इस दिशा में प्रयास करने होंगे। उपचार के लिए आधुनिक रिसर्च की आवश्यकता है, जिसका अभाव हमारे देश में। इस विषय के शोध के लिए विदेशी तकनीकों का सहारा लिया जाना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान इस प्रकार की जांच की जानी चाहिए कि शिशु पूर्णता के आरंभ में स्वच्छ है क्या नहीं, और इस जांच को देश के सभी हिस्सों में आवश्यक कर दिया जाना चाहिए, जिसके आने जाने शिशु के स्वास्थ्य को लेकर डॉक्टर एवं माता पिता या परिवारजन पूर्णतः आवश्यकता है कि नहीं। हमारे शिशु स्वास्थ्य की जन्म लेता है, यदि प्रकार का प्रावधान हमारे देश में कर दिया जाए तो निश्चित रूप से हम बीमारियों के रोकथाम करने की दिशा में यह हमारा पहला प्रहार होगा तथा जन्मजात होने वाली इस बीमारी से हम छुटकारा पाने का कामयाब हो जाएंगे। इसके अलावा अन्य मानसिक समस्याओं का निपटने को लेकर हमें और शोध करने होंगे, और जिनका यह बीमारी है जिस परिवार दयनीय स्थिति में जमते उन्हें उनके इलाज के लिए और जीवन भर की बुनियादी सुविधाएं सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, क्योंकि जिस परिवार से ये समस्या होती है उसका पूरा परिवार दुखी होता है और इस बीमारी से ग्रस्त रहता है। और मैं पदक जी एक बात बताता हूँ कि मेरे क्षेत्र गुजरात में अमरेली में खास करके सावरकुंडला ब्लॉक में एक ऐसा रोगियों का मानव मंदिर बनाया गया है कि जहाँ वहाँ पे मैं भी एक हर महीने मुलाकात लेता हूँ और मैं 10 से 15 लाख में अपनी एमपी लैंड से भी मैंने फंड दिया और हर त्योहारों के दिन मिठाई बांटी जाती है और वहाँ हर महीने में एक बार इन रोगियों के साथ हम भोजन लेते हैं। तो मेरे क्षेत्र में ये एक मानव मंदिर बनाया गया है। और मैं अंत में एक आपसे बात करता हूँ तो इस बात का ख्याल सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए कि उसके परिवार का दुख भी कुछ कम किया जा सके। इलाज के द्वारा ग्रस्त व्यक्ति को किस प्रकार स्वच्छ बनाकर समाज की मुख्य धारा में लाया जाना सके और फिर से स्वावलंबी बनाया जाए, हमें इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए। और अंत में सरकार को धन्यवाद करता हूं और मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।